पदाधिकारी चले गए थे। हम जाके मेयर मैडम, चूंकि मेयर मैडम किसी और माननीय पार्षद से बात कर रहे थे, उनके चेयर के पास जाके कोई और माननीय पार्षद बात कर रहे थे, तो खुद जाके बोले कि देखिए मैडम आपका लड़का इस तरह का काम किया, आप क्या कहती है। और जब हम बोल रहे हैं कि बोल देंगे मैडम को क्योंकि आप उनकी गार्जियन है, तो हम इसी कारण बोले कि बोल देंगे, तो कह रहा कि जाके बोल दीजिए। तो मेयर मैडम भी बोले कि तुम ना मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कर रही है, हमने एक महिला क्यों करेगी। प्रशासन भी वहाँ आ गया, इंद्रदीप चंद्र बंसी है वो भी बहुत गंदा बोलने लगा, कहा कि स्थायी समिति से हटा दिया गया इसीलिए ये बदला निकाल रही है। 48 वार्ड के वो पार्षद और स्थायी समिति के मेंबर है, तो वो हम पे हाथ भी चला दिया, जिसको इंद्रदीप चंद्र बंसी हाथ चला दिया, तो कुछ पार्षद मिलके ठेल के उनको अलग कर दिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को 50% आरक्षण दिए हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का, अपनी बात खुद से रखने का, तो फिर मेयर सुपुत्र वहाँ क्या करते हैं, यानी कि उनकी आदेश का धजिया उड़ाते हुए वो बैठता है। और ये सिर्फ साजिश है कि अगर कोई भी विरोध में बोले या उनका उनका बोला हुआ उनका किया हुआ अगर नहीं बोले तो सीधे वो टॉर्चर करवाती है, जैसा कि मैं अपने बेटा से करवाई और इंद्रदीप चंद्र बंसी से करवाए। तो बस हम यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं और उनको लेटर भी लिखेंगे कि इस तरह का व्यवहार हम महिला के साथ ना करें, नहीं तो इलेक्शन लड़ने से 100 बार हम लोग सोचेंगे इलेक्शन लड़े कि नहीं। अगर कोई भी बात हकीकत कोई भी माननीय पार्षद सदन में रखती है तो उनको दबाया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, और पहले से भी हमको टारगेट किया गया, हमेशा हमको टारगेट किया गया है। आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करिए ना। हम ये वहाँ बोल दिए मेयर मैडम को कि अब की बोर्ड की बैठक में अगर ये दिखा तो हम महिला आयोग में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हमको जहाँ जाना होगा हम वहाँ जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार कोई भी महिला बर्दाश्त कर लेगी बार बार नहीं करेगी। मासूम के मीटिंग में जाते कैसे, निगम के मीटिंग में वो तो मेंबर है भी नहीं। वो यही चीज तो हम आप लोग से कहना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि वो ऑथराइज ही नहीं है, वो बिल्कुल ऑथराइज ही नहीं है। हम लोग को इतना छूट मिली है, 50% आरक्षण इसलिए मिला है कि हम लोग जीत के आए और अपनी बात अपने तरीके से रखे, तो आखिर वो क्या कर रहा है, ये तो अब आप लोग को मदद करना है कि वो सिर्फ टारगेट जो उसके विरोध में उसको लगता है कि मेरा काम के अनुसार वो नहीं बोलता है तो उस पर टारगेट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसका काम भी रुकवाया जाता है, टेंडर भी। और मेरे साथ भी यही होने वाला है, मेरे साथ भी आगे यही होने वाला है, मेरा हर काम रोक दिया जाएगा, चाहे वो कच्ची नली गली सड़क का हो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर कोई भी महिला सच्चाई अपनी बात बोर्ड में रखती है तो उसको टारगेट करके उसको इस तरह दबाया जाता है। तो बस हम आग्रह करेंगे आप लोग के जरिए कि हमको न्याय दिलाइए।